तो आपने अपनी फैक्ट्री किस तरीके से लगानी है वो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ आपकी अपनी यदि पुरानी फैक्ट्री लगी हुई है और उस फैक्ट्री के अंदर किसी कारण से आपकी अपनी प्रोडक्शन माल अच्छे से तैयार नहीं हो रहा है या माल में कंप्लेंट आ रही है या कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, माल बिकता नहीं है या माल परचेज करने में दिक्कत आती है या फिर माल सेल करने में आपको दिक्कत आती है, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आप उस मेरी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फैक्ट्रियों की विजिट करता हूँ, मैंने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ देखी हैं। आपकी अपनी फैक्ट्री किस तरीके से सेटअप होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी अपनी फैक्ट्री का सेटअप होना चाहिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप उस तरीके से करते हैं, मेरी वीडियो को देखने के बाद आपने सोचना है, विचार करना है, क्या बंसल जी की वीडियो के अनुसार हमारी अपनी फैक्ट्री है? यदि नहीं है तो क्या हम बंसल जी की वीडियो देखने के बाद जो बातें बंसल जी ने बताई हैं क्या हम उस तरीके से सेटअप कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको एक और बात कहूँगा, यदि आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कहीं कोई दिक्कत है और जो बात बंसल जी ने बताई है वो अप्लाई करने लायक है, आपको लगता है अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। आपकी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है या आप नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, यदि आप नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो उस तरीके से तो मैं आपको सेटअप बता ही रहा हूँ, और यदि आपकी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है कोई कहीं मशीनें कहीं लगी है, कुछ मशीनें कहीं लगी है, कुछ मशीनें कहीं लगी है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हर जगह मशीनें लगी होती हैं, लेकिन जहाँ भारी होनी चाहिए वहाँ हल्की मशीनें हैं, जहाँ हल्की होनी चाहिए वहाँ भारी हैं, जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ जेनसेट लगा है या इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है या हमारी अपनी किचन बनी हुई है। तो इस तरीके से जो सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उस तरीके से चेंजिंग करेंगे, रिजल्ट अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपकी अपनी फैक्ट्री साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग फैक्ट्री के अंदर आपकी मेन गेट कहाँ होना चाहिए? मेन गेट आपका साउथ सेंटर से लेके साउथ कॉर्नर तक, इस हिस्से में आपका अपना मेन गेट आना चाहिए। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर या जेनसेट जनरेटर आपको रखना है, इलेक्ट्रिक रूम बनाना है तो वो आपका अपना साउथ ईस्ट वॉल पे, साउथ ईस्ट में इस हिस्से में आप इलेक्ट्रिक मीटर लें, अपना जनरेटर लें, लगता है जनरेटर भी आना है और साथ में गार्ड रूम भी बनेगा तो आप अपना मेन गेट थोड़ा सा खिसका लें, किधर साउथ की ओर लेना। आपके यहाँ गेट, मैं आपको एक बात कहूँगा, गेट इस साइज का जरूर बनाएं, यदि आपके यहाँ फैक्ट्री का साइज बड़ा है, आपको लगता है आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर गाड़ी टेम्पो अंदर आना चाहिए, गेट खोलें वो अंदर आ जाए। गेट के अंदर ही छोटा गेट बनाना है आपने, जो कि आपकी अपनी लेबर, हर रोज़ जो आपके अपना स्टाफ है, जो आपकी अपनी लेबर है, जो चाहे ओनर, उसी छोटे गेट से ही अंदर आ जाए, छोटे गेट से ही बाहर निकल जाए। वो गेट आपको साउथ की ओर बनाना है, गेट के अंदर गेट बनाना है। अब तीसरी चीज, ऑफिस कहाँ बनाना है? ऑफिस आपको साउथ सेंटर से लेकर साउथ वेस्ट तक, आपकी अपनी फैक्ट्री के साइज के हिसाब से आपको जो साइज चाहिए ऑफिस का, भाई मेरे को मालूम नहीं है आपके ऑफिस में कितने व्यक्तियों ने बैठना है, स्टाफ कितना चाहिए, ऐसा नहीं मैं नहीं जानता, जानता हूँ लेकिन आपकी फैक्ट्री के बारे में नहीं जानता। आपको अपना ऑफिस ब्लॉक जो बनाना चाहिए वो इस जोन में आपका अपना ऑफिस ब्लॉक आना चाहिए, साउथ से साउथ वेस्ट तक। आप अपना ऑफिस कंप्लीट पूरा भी खींच सकते हैं, आपको लगता है कि ऑफिस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप साउथ वेस्ट में पीछे की ओर अपना स्टोर बनाएं। किस चीज का स्टोर? स्पेयर पार्ट का भी, सर्कल का भी। जब आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर गाड़ी अंदर आती है, माल अंदर आता है,
तो आपने की अपनी पहली जो मशीनें लगेंगी, फर्स्ट जो मशीनें लगेंगी वो ईस्ट वॉल पर लगेंगी। एक मशीन लगाएं या दो लगाएं? कौन सी मशीनें? सर्कल वाली, जो सीट आती है, लंबी सीट आती है जो सर्कल बनाती है। बर्तन बनने से पहले सीट में से सर्कल निकाले जाते हैं, वो दोनों मशीनें आपकी। एक एक मशीन लगानी है तो एक यहाँ लगेगी, दूसरी लगानी है तो आपको यहाँ लगानी है। सर्कल तैयार होने के बाद वो सर्कल सारा का सारा आपके ऑफिस के आजू बाजू इस जोन में आ जाए या स्टोर में आ जाए। सर्कल आपका फ्रंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको जैसी सुविधा मिले। इसके साथ साथ आपके अपने यहां पर अब प्रेसें लगेंगी। सर्कल के बाद जो प्रोसेस आता है वह हमारे आपकी अपनी प्रेसों का आता है। पहली प्रेस लगेगी आपकी अपनी, यानी कि तीसरी मशीन, चौथी मशीन, पांचवी मशीन, छठी मशीन। आपको एक मशीन, एक प्रेस लगानी है, दो लगानी है, तीन लगानी है, चार लगानी है, पांच लगानी है, छह लगानी है, या दस मशीनें लगानी, जितनी भी प्रेसेज आपने लगानी है सारी की सारी वेस्ट वॉल के साथ साथ लगेंगी। सर्कल्स के बाद का जो प्रोसेस है आपकी अपनी प्रेस का है। क्योंकि ये प्रेसेज ज़्यादा क्यों लगती हैं? यदि आपके पास आपकी फैक्ट्री अच्छी चलती है, आपके पास ऑर्डर अच्छा आता है, ऑर्डर अच्छा आता है तो फैक्ट्री अच्छी चलेगी। एक प्रेस पर एक डाई फिट हो जाती है बर्तन बनाने की, उस डाई पर उसी साइज का बर्तन बनेगा। यदि आपको छोटा बर्तन बनाना है तो दूसरी डाई बदलनी पड़ेगी। फिर आपको आपकी अपनी प्रेस मशीन लग गई। प्रेस मशीन के बाद आपका अपना बफिंग, यानी कि पॉलिश करने के अड्डे लगते हैं। वो प्रेस करने के जो अड्डे लगेंगे वो आपके अपने एक रूम बनाया जाता है। रूम का साइज आपकी अपनी आवश्यकता अनुसार, आपने एक अड्डा लगाना है, दो लगाने हैं, चार लगाने हैं, छह लगाने हैं, दस लगाने हैं, जितने भी आपने अपने अड्डे लगाने हैं पॉलिश करने के। ये आपके अड्डे लगेंगे जी। यहाँ पीछे के पोर्शन में जाल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पॉलिश होती है तो कार्बन बहुत उड़ती है। यहाँ से आपका एंटर करने का रास्ता रहेगा, माल की मूवमेंट, माल यहाँ से आएगा, यहाँ से माल आके इनके पास माल आ जाएगा। ऊपर आपका जाल लग जाएगा, जाल में आपके एग्जॉस्ट वगैरह लग जाएंगे, जितनी भी कार्बन उड़ती है, जितना भी धुआं उड़ता है, डस्ट उड़ती है, वो सारी की सारी सक कर लेता है, ऊपर चली जाती है। चिमनी लग जा चिमनियाँ लग जाती हैं आजकल, चिमनी भी इनके ऊपर लग जाएगी, एग्जॉस्ट भी लग जाएगा, एयर क्रॉस भी हो जाएगी आपकी अपनी। और फैक्ट्री के अंदर टॉयलेट की और पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट आपने बनानी है आपकी अपनी फैक्ट्री के हिसाब से, जैसे आपको जगह मिले। जो जाल वाला हिस्सा मैंने खुला छोड़ा है, इसी के नीचे आप टॉयलेट भी बना सकते हैं। लो हाइट की या तो स्लैब आएगी, कितनी ऊंचाई पे? लगभग 20 फुट पे। तो टॉयलेट की ऊंचाई 20 फुट तो नहीं जाएगी, टॉयलेट की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 फुट जाएगी। टॉयलेट की ऊंचाई स्लैब आ जाएगी, ऊपर से जाल आ जाएगा, एयर क्रॉस हो जाएगी। इसी के साथ आपको स्टाफ को पीने का पानी और नहाने का पानी, यहाँ आप पीने का पानी देंगे, यहाँ आप नहाने के लिए नल लगाएंगे। क्योंकि जो लेबर आपकी पॉलिश करती है वो उनको शाम को नहा के जाना ही होता है। जो दिन वाली शिफ्ट करते हैं वो शाम को नहा के जाते हैं, जो रात वाली शिफ्ट करते हैं वो सुबह नहा के जाते हैं, उनको नहाने के लिए एरिया ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब काम करते हुए टॉयलेट का फर्श लेवल और जो नहाने जो बाथरूम बनाया आपने इसका फर्श लेवल ऊंचा नहीं होना चाहिए।
फर्स्ट लेवल बाकी फर्स्ट लेवल से आधा आधा इंच, एक एक इंच, दो दो इंच, चार चार इंच नीचे होने चाहिए। किस चीज़ का? नहाने वाले एरिए का, बाहर टॉयलेट का नहीं। टॉयलेट का तो आधा इंच नीचे हो चलेगा, लेकिन ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये जो नहाने का एरिया है ये आपका अपना ओपन ही रखा जाता है, वो आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपने ओपन छोड़ना है या बाथरूम प्रॉपर बना के देना है। अब आप अपनी फैक्ट्री के अंदर पानी की बोरिंग करते हैं या पीने के पानी का टैंक बनाते हैं या लेबर नहाने के लिए पानी का टैंक बनाते हैं नीचे, क्योंकि पानी का फ्लो, पानी तो चाहिए फैक्ट्री के अंदर, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक, इस हिस्से में आपका अपना टैंक अंडरग्राउंड या पानी की बोरिंग आ जाए। अब इसके बाद जो माल यहाँ से पॉलिश होकर बाहर निकलता है उस माल को फिनिशिंग करके पैकिंग किया जाता है, जो ये बीच वाला पार्ट बन गया, क्योंकि टैंक के ऊपर स्लैब आ जानी है, ढक्कन लग जाना है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये टोटल सारा एरिया आपका पैकिंग एरिया बन गया। आप इस एरिया में पैकिंग करें, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने कोई भी माल नहीं लगाना है, इस एरिया को आपने हमेशा खाली रखना है। अब आपके अपने यहाँ पर एक कमी रह गई, जो मैं आपके अपने ऑफिस का गेट, ईस्ट वाल का नॉर्थ ईस्ट में से गेट बनेगा। आपको लगता है ऑफिस का एरिया, आपके फैक्ट्री के अंदर एरिया बड़ा है, ऑफिस आपने बड़ा बनाना है, तो आप अपने ऑफिस का दो गेट भी बना सकते हैं। ये आपके अपने फैक्ट्री के अंदर वाला जो कैबिन बनाया है मैंने, ये आपके अपने स्टाफ का हो जाएगा, ये वाला कैबिन आपके अपने ओनर का हो जाएगा। इसके अलावा अंदर से यदि आप ज्वाइंट करना चाहें तो अंदर नॉर्थ हॉल पे नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा बना दें। इसके साथ साथ एक चीज़ और, आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर यदि सेट डला है तो जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके यहाँ स्लैब डली, आरसीसी स्लैब डली हुई है, तो आपको स्टेयर्स ऊपर लेके जानी पड़ेगी। वो स्टेयर्स आपकी कहाँ बननी चाहिए? साउथ ईस्ट जोन में ही बनेगी, यानी कि जितनी भी आपकी गहराई है फैक्ट्री की, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 35% के हिस्से में आपकी स्टेयर्स आएंगी। स्टेयर्स आपकी नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ की ओर सीधे स्टेयर्स चढ़ जाएंगी, आगे चल के आपकी वेस्ट की ओर टर्न कर जाएंगी। इस तरीके से आपने अपनी स्टेयर्स बनानी है, और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, जब आप स्टेयर्स बनाएंगे ग्राउंड पर सीढ़ियाँ बनाते हुए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने जो पहली 3 से 4 पैड़ी 5 पैड़ी बनती हैं उनके नीचे ठोस चौकी प्लेटफॉर्म बन जाता है, वो प्लेटफॉर्म आपने नहीं बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मिस्त्री को स्पेशली ये बात बोल दीजिएगा, तो आपने चौकी नहीं बनानी है और स्टेयर्स आपकी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे ऊपर जाके। इसके साथ साथ आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर मंदिर, ऑफिस में मंदिर बनाना है तो ईस्ट वॉल पर बनेगा, फैक्ट्री के अंदर मंदिर बनाना है तो भी ईस्ट वॉल पर ही मंदिर बनेगा। स्टाफ जो भी काम करे, ओनर बैठता है, स्टाफ अपनी मशीनों पर बैठता है, काम करता है, स्टाफ का फेस, ओनर का फेस ईस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर या वेस्ट की ओर ही होना चाहिए। कोशिश करें साउथ की ओर फेस नहीं हो। मैंने आपको डायरेक्शन के हिसाब से बता दिया, स्टाफ की फेसिंग कहाँ होनी है, मशीनों पे काम करने वाले स्टाफ की फेसिंग किधर होनी है, ओनर की फेसिंग कहाँ होनी है, मंदिर का एरिया बता दिया, स्टेयर्स वाला एरिया बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बता दी, गार्ड रूम भी बता दिया मैंने आपको, नहाने वाला एरिया भी हो गया, टॉयलेट्स भी हो गई, पीने का पानी भी आपका अपना हो गया है इसमें, और आपका अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो गया, मशीनें भी सारी मैंने आपको बता दी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने मेरी बातें बहुत अच्छे से सुन ली हैं, समझ ली हैं, और वीडियो एक बार नहीं, कम से कम 2-3-4 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको एक बार देखने से अच्छे से समझ में नहीं आएगी, 4-5 बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आ जाएगी। अगली बार फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।